बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज के। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द सन इज़ अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 10^7 केल्विन एंड इट्स आउटर सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन। बच्चों यहाँ गिवन है कि सन मैटर की प्लाज्मा स्टेट में है, आयोनाइज्ड मैटर। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी गैस को हीट किया जाता है तो क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयंस बन जाते हैं। आयोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एटम्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फोर्थ स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा स्टेट। तो जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट में है विद इट्स इनर कोर टेम्परेचर 10^7 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ सरफेस अबाउट 6000 केल्विन। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड स्टेट में तो नहीं रह सकता है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है क्वेश्चन में, इन वॉट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी, इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेज। हमें सन की डेंसिटी कैलकुलेट करके ये देखना है कि वो डेंसिटी किस रेंज में है, सॉलिड की डेंसिटी या लिक्विड या फिर गैसेस की डेंसिटी किस रेंज में आती है, ये डेंसिटी वो फाइंड करना है। और इसके लिए डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं। मास ऑफ सन 2 × 10^30 किलोग्राम, रेडियस ऑफ सन 7 × 10^8 मीटर। तो डेंसिटी फाइंड हम कैसे करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। अब हमारे पास मास तो है ही ये सन का, और वॉल्यूम हम इस रेडियस की हेल्प से फाइंड कर लेंगे सन को स्फेरिकल शेप में मान के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सन गिवन है, रेडियस ऑफ सन गिवन है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर एम की वैल्यू गिवन है और ये आर की वैल्यू गिवन है। अब हमें यहाँ फाइंड करनी है सन की डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इससे हमारे पास सन की डेंसिटी आ जाएगी। अब मास कितना है, 2 × 10^30, और वॉल्यूम के लिए हम 4/3 πr³, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ m अपॉन 4/3 πr³। इसमें हम वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो ये हमने m की वैल्यू रख दी, 4/3, पाई को भी हम पाई ही रख देते हैं, देखते हैं आगे क्या वैल्यू रखें इसकी, 3.14 या 22/7। आर की वैल्यू 7 × 10^8, ये क्यूब यहाँ पर आर क्यूब हो गया। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया ये 3, ये 30 है, सॉरी 3 × 10^30, तो यहाँ पर, और इधर ये हमारे पास 2 × π × यहाँ पर ये 7 × 7 × 7, हमने 3 टाइम्स लिख लिया इसको, और 10^8 × 3 = 24 ये आ गया। तो अब हम अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। और इधर ये 3 × 10^30, यहाँ पर ये 2 × 22/7, और यहाँ 7 × 2 7s की फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 आ जाएगा, और ये 10^24 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, −24। अब 3 × 10^ यहाँ हमारे पास आ गया 6, और यहाँ अपॉन में ये कैंसिल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 44 × 49, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाता है 2156। अब इससे हमें 3 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10^3,
और अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2.156। अब हम इसे थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, 2.16 ऐसे लिख सकते हैं, तो डिवीज़न कुछ तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। और फिर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.38 समथिंग, ऐसे आ जाएगी ये 1.388 कुछ इस तरीके से आएगी वैल्यू, इंटू 10^3। यहाँ क्या किया है हमने, इसको राउंड ऑफ कर लिया। आप चाहे तो ऐसे ही डिवाइड कर लें, अगर इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1.39 ये आ जाएगा यहाँ। तो अब ये जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.4 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये लगभग इतनी डेंसिटी आ गई है, ये क्या आई है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सन। तो ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई कि डेंसिटी सन की जो है वो इतनी है, 1.4 × 10^3। तो बच्चों यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू से ये क्लियर हो गया कि ये गैसेस फॉर्म की डेंसिटी तो है नहीं, और इतने टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो सॉलिड लिक्विड फॉर्म पॉसिबल नहीं है, और ये डेंसिटी इतनी गैसेस फॉर्म की हो नहीं सकती। तो मीन्स ये कौन सी स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा स्टेट है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया डेंसिटी की वैल्यू को देखकर कि जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट में है। तो बस जस्ट हम इसको लिख देते हैं यहाँ। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि ये जो डेंसिटी की वैल्यू आई है सन की, ये डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के ऑर्डर की है, गैस के ऑर्डर की नहीं है। और इतने टेम्परेचर पर जो हमको टेम्परेचर यहाँ पर 10^7 केल्विन और 6000 केल्विन बताया गया है, उस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी मैटर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता इतने हाई टेम्परेचर पर। तो ये प्लाज्मा स्टेट है सन की, और प्लाज्मा की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो आउटर लेयर्स हैं सन की उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कि ये सॉलिड और लिक्विड के ऑर्डर की हो गई है, जबकि है ये प्लाज्मा स्टेट में। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। हमको यहाँ पर जुपिटर की डायमीटर कैलकुलेट करनी है, और अर्थ से इस प्लैनेट की जुपिटर की हमको डिस्टेंस गिवन है और इसका एंगुलर डायमीटर गिवन है। तो बस हम ये पैरेलेक्स मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से जस्ट हम फाइंड कर लेंगे इसकी डायमीटर। बच्चों क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ ये गिवन है 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो मिलियंस मतलब 10^6, किलोमीटर मतलब 10^3, तो 6 और 3 यहाँ पर 10^9 आ गया मीटर में। तो हमने जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब एंगुलर डायमीटर गिवन है हमें कि ये जुपिटर अर्थ पर कितना एंगल बना रहा है ये, तो ये एंगल हमको यहाँ पर गिवन है ये वाला कि ये है 35.72 सेकंड्स। इस एंगल की वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, और सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.85 × 10^-6 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.1 में हमने ये डिटेल में सीखा है कि कैसे हम ये कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को, मिनट को, सेकंड्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं कि सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू है, हमारे पास ये डिस्टेंस डी की वैल्यू है, हमें क्या फाइंड करना है, ये बी फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ जुपिटर ये फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी होता है, इससे हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इंटू डी। अब ये थीटा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर और डी की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी है बच्चों,
तो कैलकुलेशन मीन्स बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो हमने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, उसके बाद इस नंबर में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके जो काफ़ी लेंदी है, हमारे पास ये बड़ी सी वैल्यू आ गई, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया थोड़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.4 × 10⁵। ये 10⁸ मीटर आया था, इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से डिवाइड कर दिया है। तो अब ये हमारे पास किलोमीटर में आ गई है डायमीटर की, जुपिटर की जो डायमीटर है वो इतनी है अप्रॉक्सीमेटली। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।